क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, अब इनका क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो इतना मतलब इतना इनको सजा के पढ़ने का यही मतलब है, ऑर्गेनिक कंपाउंड फास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अगर इनको हम अच्छे से कैटेगराइज नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब इसका क्लासिफिकेशन कैटेगराइज इनको डिफरेंट फैमिली में नहीं रखेंगे, तो हमको कंफ्यूज हो जाएंगे क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जैसे मतलब पीरियडिक टेबल, पीरियडिक टेबल क्रिएट क्यों किया गया, इतना सारे एलिमेंट है, ठीक है, हर एक का प्रॉपर्टी, एक एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पढ़ना नामुमकिन है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको कैटेगराइज करके एक एक फैमिली में डाल दिया, भाई जा जिनका तू जा। तो जो हर एक ग्रुप का मेंबर होता है ना, उनमें क्या होता है, उनमें प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी रहता है, तो वो हम वो चीज पढ़ने को पढ़ने में आसान हो जाता है, ठीक है। ठीक है, चलो देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। यहाँ पे पहले देखो, पहला जो था ये जो स्ट्रेट साइड था, ये है एन ब्यूट, देन दूसरा है साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। एक है स्ट्रेट, ये सीधा है, एक है क्लोज्ड, ठीक है। तो फिर यहीं पे आ गया एन ब्यूटेन, तो डिफरेंस क्या है, देखो एन ब्यूटेन इज ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है, वहीं पे साइक्लोब्यूटेन इज क्लोज चेन कंपाउंड। तो पहला डिफरेंस क्या आया, ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा आया क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड में फिर टू टाइप्स का है, एक होगा एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक है ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है, दूसरा है क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को हम एलिफेटिक और एसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड को हम बोलते हैं साइक्लिक और रिंग कंपाउंड। फिर इनको ओपन चेन कंपाउंड को फिर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक होता है सीधा स्ट्रेट चेन और एक होता है ब्रांच चेन कंपाउंड, ठीक है। देन क्लोज चेन कंपाउंड देख लेते हैं, देखो ये बेटा क्या सोच लिया, ये है बेंजीन, ये है पीरिडी, वट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्ट्रक्चर, कुछ समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है। एक ये बेंजीन एक पीरिडीन, दोनों तो एक जैसा ही लग रहे हैं, लेकिन एक बार देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक हेटेरो एटम आ गया कार्बन के बीच में, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो फिर ये भाई सब क्या सोच रहे हैं, यही सोच रहे हैं, फास्ट स्ट्रक्चर रिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स ओनली, बट इसको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक, मतलब एक ही सिर्फ सब कार्बन को मिला के बना है। लेकिन दूसरे वाला देखो, दूसरे वाला नाइट्रोजन है, बेंजीन इज है, तो इसीलिए बेंजीन इज होमोसाइक्लिक हो गया। दूसरा वाला देखो, कंपाउंड विच इंक्लूड वन और मोर हेटेरो एटम्स लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, ठीक है, इन द रिंग, उसको हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया, ऐसे तो दूर से दिखने में दोनों एक जैसा लग रहे हैं, लेकिन नहीं, ये जो लेफ्ट साइड में है जो जिसके मतलब बेंजीन में सारे कार्बन को लेके बना है, लेकिन वहीं पे जो राइट साइड में है उसमें कार्बन की जगह नाइट्रोजन चुपके से आ गए हैं, ठीक है। तो वो हो गया हेटेरोसाइक्लिक और जो बेंजीन था वो हो गया होमोसाइक्लिक। तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन फिर आ गया, फिर टू टाइप्स का आ गया, क्या कितना डिफरेंस है। तो सेकेंड स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन इज हेटेरो एटम इन द रिंग, मैंने बता दिया, इसीलिए ये हो गया पीरिडीन इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, बेंजीन इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो फिर अब यह देखते हैं ओपन चेन क्लोज चेन, फिर देखो ओपन चेन में टू तरह का बता दिया था, क्या था, एक स्ट्रेट चेन था जैसे ऐसे स्ट्रेट चेन, एक ब्रांच चेन C3CH, मान लो यार CH2CH3CH3, ठीक है, ऐसा है,
ये पहला वाला था स्ट्रेट चेन, दूसरा वाला था ब्रांच चेन, ये था ओपन चेन का, ठीक है। अब देखते हैं होमोसाइक्लिक मतलब क्लोज चेन में टू टाइप का, एक आया होमोसाइक्लिक, एक आया हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब सारे कार्बन से मिला के बना, हेटेरोसाइक्लिक मतलब एक कार्बन की जगह चुपके से ऑक्सीजन आ जाएगा, चुपके से नाइट्रोजन आ जाएगा, चुपके से सल्फर आ जाए, कोई भी एक कार्बन को मतलब आके कार्बन को हटा दिया, भाई तू हट मुझे जगह दे मैं यहाँ बैठूंगा, ठीक है। तो फिर ठीक है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक में बता दिया। फिर आया दो डिफरेंस, देखो दोनों को ध्यान से देखो। एक में जो राइट साइड में जो लेफ्ट साइड में उसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, दिख रहा है ना, उसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन जो राइट साइड में उसमें देखो उसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, ये तो ठीक है। फिर क्या आ गया क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन है एक बेंजीन है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रक्चर, हम भी तो वही सोच रहे हैं ना, क्या है ये, भाई साहब भी वही सोच रहे हैं। इफ इन होमोसाइक्लिक कंपाउंड कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड्स देन उनको उसको हम बोलते हैं एलीसाइक्लिक, एसाइक्लिक नहीं एलीसाइक्लिक, ठीक है। सर क्या है एसाइक्लिक एलीसाइक्लिक यार, मतलब ओपन चेन स्ट्रेट चेन क्या करे भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड है इतना है तो करना पड़ता है, ठीक है सर। तो देखो जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है उनको हम बोलते हैं एली साइक्लिक, साइक्लो तो क्या हो गया साइक्लोहेक्सेन हो गया एली साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। देन देखो इफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन एटलीस्ट वन एरोमेटिक रिंग, वन एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक क्या है ये हम डिस्कशन करेंगे आगे जाके, ठीक है। वो बेंजीन कैसे, बेंजीन क्या है, बेंजीन का प्रॉपर्टी क्या है, क्या है एरोमेटिक, एरोमेटिक एक खास प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो बेंजीन वगैरह को थोड़ा खास बनाता है। जैसे कार्बन को कुछ प्रॉपर्टी नहीं मिलते, कार्बन को इतना खास बना दिया कि वो एक पूरा का पूरा मतलब क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, फास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया कुछ प्रॉपर्टी मिलके से, ठीक है। कार्बन भूलेगा भाई, पीरियडिक टेबल में रहता हो देख के, पीरियडिक टेबल में रहता हो यही देख के ऐसा ऐसा एलिमेंट समझा क्या है? नहीं, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हूं मैं पुष्पा स्टाइल में, भाई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पुष्पा स्टाइल में बोलेगा ना, सिर्फ मतलब पीरियडिक टेबल में नाइट्रोजन को बोलेगा, भाई तेरे पास में रहता हूँ ये देख के मुझे तेरे जैसा ऑर्डिनरी एलिमेंट समझा क्या है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हूँ मैं। अच्छा तो इसीलिए देखो बेंजीन में भी कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कशन करेंगे बाद में। यहाँ पे ये देख लेते हैं, ठीक बेंजीन ये याद रखना, ये होता है हमारा बेंजीन बाबा, बेंजीन बोलेगा रिंग देख के एलीसाइक्लिक समझा क्या, नहीं एरोमेटिक हूं मैं। अच्छा ठीक है, तो एटलीस्ट बेंजीन मतलब बेंजीन रिसेम्बल्स बेंजीन इन दर केमिकल बिहेवियर देन दोज कंपाउंड आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लोहेक्सेन इज एलीसाइक्लिक कंपाउंड। तो फिर क्लासिफिकेशन में फिर तो आ गया, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड था ये तो था, ओपन चेन था, क्लोज चेन था, क्लोज चेन में फिर टू टाइप्स का आया था, होमोसाइक्लिक आया था, हेटेरोसाइक्लिक आया था, फिर होमोसाइक्लिक में टू टाइप्स में आ गया, एक आएगा एलीसाइक्लिक, एक आएगा एरोमेटिक। फिर थोड़ा आगे चलते फिर होमोसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, देन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है देखो एग्जाम्पल, देखो ये हो गया बेंजीन रिंग है ना बेंजीन रिंग भाई, ये एनिलीन हो गया, फिनोल हो गया, ये सारे हो गया, कंटेंट एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होना चाहिए। ये हो गया बेंजोइल कंपाउंड, फिर एरोमेटिक कंपाउंड आएगा टू टाइप्स का, ठीक है। बेंजोइल कंपाउंड में कंटेंट एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, ट्रोपोन ट्रोपोन ट्रोपलॉन, ये क्या कंटेंट एन एरोमेटिक रिंग अदर देन बेंजीन,
ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक कैरेक्टर मतलब एरोमेटिक हम कैसे डिसाइड करते हैं वो आगे जाके डिस्कशन करेंगे, अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ठीक है। होमोसाइक्लिक में आया देखो, पहला था ओपन चेन, एक था दूसरा था क्लोज चेन। ओपन चेन में टू टाइप्स का आया, एक आया स्ट्रेट चेन, एक आया ब्रांच चेन ठीक है। फिर क्लोज चेन में आया क्या आया, क्लोज चेन में टू टाइप्स का आया, एक एलिसाइक्लिक आया, दूसरा एरोमेटिक आया ठीक है। मतलब हाँ एलिसाइक्लिक आया, एक एरोमेटिक आया। एरोमेटिक में फिर टू टाइप्स का है, जो कंपाउंड बेंज एटलीस्ट बेंजीन रिंग कंटेन कर रहे उसको बेंजोइड बोलते हैं, और जो बेंजीन रिंग नहीं कंटेन कर रहे मतलब बट एरोमेटिक है उसको हम नॉन बेंजोइड बोलते हैं। देन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वही, यहां पे भी वही टेट्राहाइड्रोक्विनोन। एलिसाइक्लिक कंपाउंड व्हिच कंटेन एटलीस्ट वन हेटेरो एटम, मैंने बोला है यहां पे ऑक्सीजन है तो इसको हेटेरो एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ये एरोमेटिक नहीं, ये हेटेरो एलिसाइक्लिक। लेकिन ये क्या है, ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। देखो यहां पे बस ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड, इसको हम क्या बोलते हैं फ्यूरल, इसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड व्हिच कंटेन एटलीस्ट वन हेटेरो एटम, इसको बोलते क्या हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड। इतना क्लासिफिकेशन का। फिर हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड में वही आएगा, देखो बेंजीन जैसा है तो बेंजोइड हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजोइड हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड, ये बेंजीन जैसा नहीं है बट एरोमेटिक है, तो ये हो गया नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। ये था हमारा क्लासिफिकेशन। अरे बाबा सर कितना एटीट्यूड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब उसको पहले सोर्स वर्क मतलब उसका सोर्स के बारे में पढ़ो, उसका इम्पोर्टेंस पढ़ो, फिर इसका रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रिप्रेजेंटेशन, मतलब इतना तो लड़कियां भी मतलब मेकअप नहीं लेते जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड मेकअप ले रहे हैं, मतलब जितना रिप्रेजेंटेशन है उसका। फिर सर उसका क्लासिफिकेशन भी, उसका इतना इतना बड़ा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्या करें। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है केमिस्ट्री इन लाइफ ठीक है भाई, करना पड़ता है। देखो यहाँ पे अच्छे से थोड़ा देख लेते हैं, एक उपोंजन हो गया, फिर ओपन चेन में टू टाइप्स का, एक ब्रांच चेन हो गया, एक स्ट्रेट चेन हो गया ठीक है। फिर क्लोज चेन, क्लोज चेन में क्या हुआ, एक होमोसाइक्लिक हो गया, होमोसाइक्लिक में फिर टू टाइप्स का हुआ, एक एरोमेटिक हुआ, एक एलिसाइक्लिक हुआ। फिर एरोमेटिक में टू टाइप्स का हुआ, एक बेंजोइड हुआ, एक नॉन बेंजोइड हुआ ठीक है। फिर यहां देखो इतना तक समझ में आ गया, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड टू टाइप्स का था, ओपन चेन था एंड क्लोज चेन था। वो ओपन चेन में क्या है, ओपन चेन में टू टाइप्स का फिर से ब्रांच चेन एक स्ट्रेट चेन ठीक है। फिर क्लोज चेन में क्या है, होमोसाइक्लिक था एक हेटेरोसाइक्लिक था, होमोसाइक्लिक फिर टू टाइप्स का, एक एलिसाइक्लिक है एक एरोमेटिक है, एरोमेटिक फिर टू टाइप्स का, एक बेंजोइड है एक नॉन बेंजोइड है ठीक है। सिमिलरली हेटेरोसाइक्लिक में क्या है, हेटेरो एरोमेटिक है, हेटेरो एरोमेटिक फिर टू टाइप्स का है, एक हेटेरो बेंजोइड एरोमेटिक है, एक हेटेरो नॉन बेंजोइड है। सिमिलरली हेटेरो एलिसाइक्लिक में है। ये बात इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा हट जाता हूँ स्क्रीन से, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो समझ में ठीक है। अब आगे चलते हैं, give the class of the following compound based on their structure. Number one, class of compound ठीक है, क्या है ये, इसका क्या है, इसका क्लास बताओ, मतलब ये कौन सा फैमिली में रहता है, ये कौन सा सेशन में रहता है बताओ। हाँ ये याद नहीं आ रहा, लेकिन वो नया है वो सेशन, मतलब वो 11th क्लास सेशन बी में है, रूल नंबर ये याद रख लोगे ना तुम लोग, लेकिन ये बताओ वो काम का नहीं आएगा, लेकिन ये काम का है। अरे सर आपको कैसे पता, अरे क्या नहीं, वो नया का जगह कुछ और भी हो सकता है, लेकिन लड़की होगा तो आप उसका से, मतलब कौन सा सेक्शन है, कौन सा क्लास में बैठता है, कौन सा बेंच में बैठता है, रूल नंबर क्या है ठीक है, क्या टिफिन लेकर आया है, वो सब बता दोगे तुम लोग, लेकिन ये बताओ ये है आइसोब्यूट, क्या देख के क्या लग रहा है, स्ट्रेट तो नहीं है,
ब्रांच है, तो ये क्या है, ओपनचेन कंपाउंड है, क्लास ओपनचेन है, ओपनचेन में ये क्या है ब्रांच चेन कंपाउंड, ठीक है। दूसरा देखते हैं ये क्या है, पीरियडिंग है, इसका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम आउट। ब्लू चेन कंपाउंड है, हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड, एंड उसका क्लासिफिकेशन उसमें भी क्या है, बेंजोइड कंपाउंड है, क्योंकि बेंजीन जैसा कंटेन कर रहा है। नाप्थालेन स्ट्रक्चर, नाप्थालेन नेम क्या है, तो ये क्या होगा, क्लोज चेन कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक में फिर बेंजोइड है। देन देखो ये वाला कंपाउंड, ये क्या है, क्लोज चेन कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक है, एंड एरोमेटिक, एरोमेटिक में फिर नॉन बेंजोइड है। देखो ये बेंजीन कंटेन नहीं कर रहा है, ये क्या है, आजू साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 10 टाइम आउट। क्लास ऑफ कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड, हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स। देन ये क्या है, पाइपरिडाइन, क्लोज चेन कंपाउंड है, लेकिन ये एरोमेटिक है क्या, नहीं है, हेटेरो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये क्या है, ये टोलुइन है, ये तो बेंजीन कंटेन कर रहा है, क्लोज चेन कंपाउंड होगा, ठीक है। देन होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, देन एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक में बेंजोइड कंपाउंड है, समझ में आ गया। ह्यूरोन क्लोज चेन कंपाउंड है, हेटेरो एरोमेटिक है, नॉन बेंजोइड है।